नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक्चुअली हमारे जॉइंट्स, लिगामेंट और मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है और मेनली वो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो हम आज अपर लिम्स की करेंगे, नेक और ये शोल्डर और आर्म्स की। तो सबसे पहले अपर नेक की कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड बेंडिंग, तो ऊपर काउंट करने इस मन में, बैकवर्ड ब्रीदिंग के साथ फिर फॉरवर्ड ऐसे, फिर लेफ्ट साइड रुकना है, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग सर रोटेशन, फिर नेक पीछे करके रोटेशन, अब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। जॉइंट्स के जो भी जॉइंट्स लिगामेंट है वह सब ये फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, नेक्स्ट फिर नीचे की ओर, कंसंट्रेट करना मसल्स पे, होल्ड करना इसको। और नेक्स्ट ये आपके लिए नेक की एक्सरसाइज। अब हम हैंड्स की करेंगे। सबसे पहले फिंगर्स की, फिंगर्स को स्लो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर स्लो स्लो दो तीन चार करने के बाद हम थोड़े से फास्ट करेंगे। रोटेशन रिस्ट रिवर्स, फिंगर स्ट्रेच करेंगे दो से तीन बार। अब आपको एल्बो भी करनी है, रिवर्स। अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। अब चेंज करेंगे, रोटेशन करेंगे, रोटेशन पे थोड़ा क्लैप भी करनी है आपने। ये काउंटिंग साथ कर सकते हैं, मैं एक बार काउंटिंग के साथ बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 3 2 1 तो हमने रिवर्स कर लिया उसका ऐसी, तो काउंटिंग पे करनी है वन में। इसके बाद करना क्या हमने, रोटेशन स्लो स्लो, रिवर्स, काउंटिंग सर वही जैसे मिलते हैं ना। अब ये आपको रोटेशन इसमें ही करना है, टच करना है, रिवर्स, अब ये एक बार आपने साइड से दोनों हाथ से करनी है। और आपने फिर ऐसे करना है, एक एक्सरसाइज आपने ऐसे भी करनी है, ये साइड से आपकी बाजू जो है ऊपर की ओर जाएंगी, क्लैप भी कर सकते हैं इसका। क्लैप करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था कि इससे हमारे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और ये शेक करनी है बाकी फिंगर्स, तो ये आपने किया शोल्डर के लिए। एक एक्सरसाइज और है, आप इस पे गोमुखासन में हम करते हैं, ये दोनों हाथ को पीछे से ग्रिप बनानी है, फिर इधर से ग्रिप बनानी है। ये करने के बाद लास्ट में आपको थोड़ा सा ये करना है, स्ट्रेच करना है, ओवरहेड चेंज रुकना है,
फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको फाइनल स्टेज में रुकना पड़ेगा, जैसे ये फाइनल आ गया मान लो, तो यहाँ रुकना है, फाइनल आ गया तो यहाँ पे रुकना है, तो ये थी आपकी हैंड्स की एक्सरसाइज। और अब हम करेंगे एक इसमें जैसे एल्बो की भी स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं, चलो रेजिस्टेंस से ऐसे कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारे रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी थी आर्म्स और नेक की। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे ट्रंक की एक्सरसाइज, हिप जॉइंट की एक्सरसाइज। नमस्कार, शुक्रिया।